शीत ऋतु रे पाचन तंत्र प्रभावित समस्या गोटे साधारण समस्या भाव देखा दिए कहीं आमे निजर जीवन चर्चार शीत ऋतु में अनेक गुड़े कार्य को अणदेखा करपरिकी नियमित वाक और व्यायाम इत्यादि को अणदेखा करने अधिक तैलयुक्त भोजन ग्रहण करने और जंक फुड सेवन करने पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कै तेणु से विशेष ध्यान देवा जरूरी। शीत ऋतु में अधिक जंक फुड सेवन पाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करिथाय कहीं जंक फुड रे अधिक मात्रा रे सुगर और फैट रही थाए तेणु विशेष भाव यह पाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करे तेणु जंक फुड टू दूरे रहिबा उचित। दही रे गुड बैक्टीरिया रही थाए जहां पाचन प्रक्रिया को ठीक रखिबारे सहाय्य करे तेणु शीत ऋतु में दही सेवन खूब फलप्रद अटे। एहि दही फ्रिज परिवर्तन बाहर रखे सेवन करिबा जरूरी अटे ओ एथिरे जदि सामान्य गुड़ मिसाई सेवन करिबे खाद्य हजम हेबारे सहाय्य मिलिबो। आमे साधारण भाबे देखिबा को गले शीत ऋतु रे खूब कम पानी सेवन करू जहां कि आमर पाचन तंत्र पय ठीक नुहे एहा मलत्याग रे बाधा सृष्टि करबा सहित पाचन प्रक्रिया प्रभावित हुए तेणु शीत ऋतु रे दिन को 3-4 लीटर पानी निहाती सेवन करिबा जरूरी। ठीक समय भोजन ग्रहण सर्वदा शरीर पर हितकर कहीं आम जदि ठीक समय भोजन ग्रहण नक तेज एसीडिटी और गैस समस्या सम्मुखीन होगा। ठीक समय भोजन ग्रहण अनेक प्रकार शारीरिक समस्या दूरे रखी था आम साधारण भाव शीत ऋतु में हाई फैट फुड ग्रहण करीर पर ठीक नुहे आम प्रतिदिन निजर भोजन में विभिन्न शस्यजातीय जिनस विभिन्न पनीपरिया फलमूल सामिल करने जरूरी जहाँकि अनेक रोग आमको दूरे रखे। आमिष अधिक सेवन पाचन समस्या सृष्टि करथे तेणु आमिष खाद्य ठू विशेष भाव दूरे रहा जरूरी। शरीर पर प्रोटीन आवश्यकता निहाती रही कि अधिक आमिष सेवन क्षतिकारक अटे यह शरीर में विभिन्न समस्यार कारण होता है। सबुबले खाद्य को चोबाई खाइबा जरूरी कारण खाद्य को यदि आपण ठीक भाव चोबाई सेवन करूना तेबे एहा पाचन प्रक्रिया को प्रभावित करे और खाद्य ठीक भाव हजम होबारे बाधा सृष्टि करिथाय।